Hello students, this is D. Ranjan welcoming all of you to Wings Academy. And today's class is all about every superlative thing of the world. आज हम क्लास में या फिर इस सेशन में सारे सुपरलेटिव थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सिर्फ पहला पार्ट होने वाला है. इसके बाद कई सारे पार्ट आएंगे जिसमें हम कम्प्लीटली वर्ल्ड के सारे सुपरलेटिव जो जो थिंग है उनके बारे में पूरा कवरअप करेंगे. और मुझे पता है कुछ दिनों से, लगभग 15 डेज से, हमारी जो डेली करंट अफेयर की वीडियोस हैं और जो स्टैटिक जीके या फिर नॉर्मल जीके के जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड नहीं हो पा रही थी. यूट्यूब में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था. वो प्रॉब्लम क्या था क्या नहीं ये हम सेशन के अंत में डिस्कस कर लेंगे. तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है. और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, और इसका जो मास है वो है 1.898 × 10^27 kg, और जो रेडियस है वो है 69,911 किलोमीटर. ओके, और इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो है 79. ये जो रेडियस है जुपिटर का, जो कि 69,911 किलोमीटर है, ये अर्थ के रेडियस से लगभग 10 गुने से भी ज्यादा है. अर्थ का जो रेडियस है वो 6,400 के समथिंग आता है उसके आसपास, और जुपिटर का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 10 गुने से भी ज्यादा होता है. ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ. आज का सेकंड क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है. हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी. ठीक है, और मरकरी का जो मास है वो है 3.285 × 10^23 kg, और इसका जो रेडियस है ये रेडियस है 2,439.7 किलोमीटर. और मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी का सैटेलाइट नंबर 0 है. ओके, तो बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ. व्हिच वन इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है. और इसका आंसर हो जाएगा वीनस. ओके, वीनस जो कि अर्थ का ट्विन सिस्टर है वो सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं. वेनस का जो मास है वो है 4.867 × 10^24 kg, और इसका जो रेडियस है वो है 6,051.8 किलोमीटर. और वेनस का भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब सैटेलाइट नंबर 0 है. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. और ये क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सन से सबसे ज्यादा दूरी पर रहने वाला प्लैनेट कौन सा है. और ये प्लैनेट है नेपच्यून. ओके, अब नेपच्यून का जो मास है वो कितना है. नेपच्यून का जो मास है वो है 1.024 × 10^26 kg, और इसका जो रेडियस है वो है 24,622 किलोमीटर. ओके, और इसका जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो है 14. सिर्फ 14 सैटेलाइट्स हैं नेपच्यून के. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सन का सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन सा है. और यह प्लैनेट मरकरी है. अब मरकरी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसके मास, रेडियस और सब के बारे में, तो इसके बारे में भी और डिस्कस नहीं करते हैं. अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, व्हिच वन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, हमारे नाइट स्काई में जब आसमान साफ रहता है तो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है. और यह ब्राइटेस्ट स्टार है सिरस. ओके, और सिरस का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है 8.611 लाइट ईयर्स. ठीक है, 8.611 लाइट ईयर हमें से दूर है कौन, सिरस. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. आज का सेवन क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है. अब प्लैनेट्स के बारे में सब खत्म हो गया, तो सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं. तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है गैनीमेडे. ओके, और यह सैटेलाइट जुपिटर का है, जिसका की मास है 1.4819 × 10^23 kg, और इसका रेडियस है 2,634.1 किलोमीटर. ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ. और आज का एट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है. और यह सैटेलाइट है डीमस. ओके, डीमस जो है यह मार्स का सैटेलाइट है. मार्स के दो सैटेलाइट होते हैं, डीमस और फोबस, और ये जो डीमस है ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है. और इसका मास है 1.4762 × 10^15 kg, और इसका रेडियस है सिर्फ 6.2 किलोमीटर. ओके फ्रेंड्स, कितना है रेडियस इसका, बहुत ही कम है, 6.2 किलोमीटर. अब बढ़ते हैं आगे. आज का नाइन्थ क्वेश्चन है,
व्हिच वन इज द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऑफ अर्थ। अब सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को ढूंढ रहे हैं तो टेलीस्कोप की जरूरत तो पड़ेगी। अब अर्थ का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो कौन सा है? अर्थ का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है ग्रैंड टेलिस्कोपियो कैनेरियस। ओके, और ये टेलीस्कोप पाया जाता है ला पल्मा एरिया में, जो कि आता है स्पेन कंट्री के अंदर। और ये जो टेलीस्कोप है ये कवर करता है 78.54 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा मोटा टेलीस्कोप आप लोग देखे होंगे बहुत बार गूगल में सर्च करके भी, लेकिन ये जो टेलीस्कोप है ये कवर करता है 78.54 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे आज अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10th क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? और ये हमारा ही कॉन्टिनेंट है यानी कि एशिया। और एशिया में टोटल 49 कंट्रीज हैं, और एशिया का जो एरिया है, जो एरिया कवर अप करता है एशिया, वो एरिया है 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 44.58 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है कौन? एशिया। ठीक है, 44.58 स्क्वायर किलोमीटर, 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब बिगेस्ट खत्म हो गया, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का? और ये कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। अब काफी टाइम पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कभी कभी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओसेनिया कॉन्टिनेंट भी देता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, उसी कंट्री के हिसाब से कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को काफी लोग जानते हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो ओसेनिया कॉन्टिनेंट भी है, तो एग्जाम में ओसेनिया आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। अब ऑस्ट्रेलिया में टोटल जो कंट्रीज जो है 14, और ऑस्ट्रेलिया जो एरिया कवर अप करता है वो है 86 × 10⁵ स्क्वायर किलोमीटर। ओके, कितना कवर करता है? 86 × 10⁵ स्क्वायर किलोमीटर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन या महासागर कौन सा है? और ये है पैसिफिक ओशन। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिक, सारे एरिया को टच करके ये ओशन गया हुआ है। और ये जो पैसिफिक ओशन है ये हमारे अर्थ का सबसे बड़ा ओशन है, और ये कवर अप करता है नियरली 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, और ये जो पैसिफिक ओशन है ये लगभग 50% से भी ज्यादा जो वाटर है, यानी कि जो सॉल्ट वाटर या फिर जो नमकीन पानी जो रहता है समुद्र का, 50% से भी ज्यादा वाटर सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज का 13th क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अब बड़ा खत्म हो गया, तो छोटे की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड का सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। ओके, या फिर जिसको हम उत्तर महासागर के रूप में जानते हैं, जो कि उत्तर मेरु के पास में पाया जाता है, नॉर्थ पोल के पास पाया जाता है। कौन सा ओशन? आर्कटिक ओशन है, और ये कवर अप करता है 14.06 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, कितना एरिया कवर अप करता है ये? 14.06 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और आर्कटिक ओशन है हमारे ओशन में से सबसे छोटा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है? और ये ओशन भी पैसिफिक ओशन ही है, और इसका जो एक एरिया आता है मरियाना ट्रेंच, ये एरिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गहरा एरिया माना जाता है। और इसमें एक पॉइंट है जिसका नाम है चैलेंजर डीप। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? चैलेंजर डीप, जो कि मरियाना ट्रेंच की सबसे डेप्थ जगह है, मतलब इसकी जो डेप्थ है वो पूरे वर्ल्ड, पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा है, और मरियाना ट्रेंच की जो है वो सबसे डेप्थ जगह है। और मरियाना ट्रेंच की जो डेप्थ है वो है 11,034 मीटर्स। ठीक है, कितना है? 11,034 मीटर्स, यानी कि एवरेज इसमें डूब जाएगा। डाल के देखते हैं फिर। तो आज का 15th क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। अब लोएस्ट पॉइंट के बाद हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट है हमारा माउंट एवरेस्ट। अभी इसको समंदर में डालने की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट का जो लोकेशन है वो कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट का जो लोकेशन है वो है नेपाल और तिब्बत का जो टेरिटरी एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, वहीं पे माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। कुछ कुछ चाइना के बॉर्डर में भी इसका एरिया आता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर एरिया में, और इसका जो हाइट है वो है 8,848 मीटर्स। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8,848 मीटर्स।
तो बढ़ते हैं आज के 16 क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है व्हिच वन इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर, समंदर में नहीं। क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है और बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर भी लेता है। व्हिच वन इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, समंदर के अंदर नहीं, समंदर के अंदर जो था वो गया, मरियाना ट्रेंच या फिर चैलेंजर डीप। ओके, और अर्थ के सरफेस पर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये पॉइंट है डेड सी। ठीक है, और डेड सी आता है इजराइल और जॉर्डन दोनों कंट्री में, ये सी पाया जाता है दोनों कंट्रीज के कॉमन एरिया में, ये सी पाया जाता है। और इसका जो हाइट है वो है -306 मीटर। अब ये माइनस क्यों लगाया गया है कि ये जो सी है ये सूखता चले जा रहा है और जो नॉर्मल सी लेवल है अर्थ का उससे 306 मीटर नीचे पाया जाता है ये। ठीक है, तो ये डेड सी एरिया जो है ये अर्थ सरफेस का सबसे निचला एरिया है, सबसे डेप्थ एरिया है अर्थ सरफेस का। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 17th क्वेश्चन है व्हिच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। ओके, और ये इसका आंसर हो जाएगा द नाइल। नाइल रिवर अर्थ के ऊपर सबसे लंबा रिवर है और इसका जो लेंथ है वो है 4,132 miles, जो कि आसपास हो जाएगा 6,400 something kilometers आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। 4,132 miles इसका लेंथ, ओरिजिन इसका है इथियोपिया में और एंडिंग होता है ये मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पे है, इथियोपिया में, और एंडिंग होता है मेडिटेरेनियन सी में। और अर्थ का जो सबसे लंबा नदी है वो है द नाइल। ओके, तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा नदी कौन सा है। अरे अभी तो सबसे लंबा खत्म किया ना, लंबा और बड़ा में फर्क होता है, क्या फर्क होता है देखते हैं। तो जो सबसे बड़ा रिवर है वो है द अमेज़न, और अमेज़न का जो लेंथ है वो है 4,000 miles, और इसका ओरिजिन है पेरू में और ये एंड होता है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, लेंथ कितना है 4,000 miles, जो नाइल का लेंथ था वो 4,132 miles था और जो अमेज़न का लेंथ है वो है 4,000 miles। तो ये लेंथ में छोटा है लेकिन इसको लार्जेस्ट रिवर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एरिया के हिसाब से अर्थ का सबसे ज्यादा एरिया कवर अप करने वाला नदी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में ये छोटा सा वर्ड आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, अभी से कंफ्यूज मत होना। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, द नाइल, और जो सबसे बड़ा रिवर है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है, द अमेज़न, और इसका लेंथ है 4,000 miles, ओरिजिन है पेरू में और खत्म होता है अटलांटिक ओशन में। तो बढ़ते हैं आज के 19th क्वेश्चन की तरफ, और आज का 19th क्वेश्चन है व्हिच वन इज द बिगेस्ट मैमल ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है। और अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है वो है द ब्लू बॉटम व्हेल, और जिसको कि आप लोग आमतौर पर ब्लू व्हेल के नाम से भी जानते होंगे। इसका जो वेट है वो अप टू 150 tons तक बढ़ सकता है और लेंथ अप टू 30 meters। आज का मतलब लेंथ जो इसका बढ़ सकता है अप टू 30 meters बढ़ सकता है। आज तक जो सबसे बड़ा ब्लू बॉटम व्हेल पाया गया है उसका लेंथ 29.1 or 2 meters साइड था। ठीक है, तो ये अप टू 30 मीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वेट अप टू 150 टन्स तक बढ़। और आज का जो 20th और आखिरी क्वेश्चन है वो है व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट मैमल ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, और ये है बम्बल बी बैट। ठीक है, और इसका जो वेट है वो है 1.5 gram और लेंथ है अप टू 1.3 inch। अगर ये किसी इंसान के फिंगर के ऊपर बैठ सकता है पूरा का पूरा, तो आप इसके वेट और लेंथ के ऊपर का अंदाजा लगा सकते हैं। फूंक मारेगा तो उड़ जाएगा या नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, जो प्रॉब्लम था हम लोगों का कि कुछ दिनों से हमारे वीडियोज अपलोड नहीं हो पा रही थी यूट्यूब में, पिछले वीडियो में मैंने कॉपीराइट वाला एक तो इमेज जो है डाल दिया था, जिसके चलते यूट्यूब ने हमको कॉपीराइट का स्ट्राइक दे दिया था 15 दिन का, और 15 दिन जैसे ही खत्म है उसके बाद हम लोगों ने ये वीडियो डाल दिया है। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको कैसा लग रहा है और आगे आगे कौन सा और पार्ट चाहिए आपको, इसके बारे में हम लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज के नोटिफिकेशन को जल्द पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।